कि ये जीव जो है जन्म जन्मांतरों से कल्प कल्पांतरों से भटकता हुआ, लुढ़कता हुआ, घसीटता हुआ 84 लाख योनियों के दलदल में फंसा हुआ बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म पा करके संतों की संगत की ओर आता है। और इसलिए आता है कि संतों से हमें सत्य का बोध होगा, लेकिन जब ऐसे संत मिल जाए, कैसे संत, ऐसे ही जिनकी चर्चा हो रही है संसार में, सारी दुनिया में हो रही है, उनके धोखे से अच्छे अच्छे संत हैं, वे भी अपना सिर नीचा कर रहे हैं। गांव के, शहर के, नगर के लोग जो है संतों को घृणित निकृष्ट दृष्टि से देख रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। बताइए, ऐसे जो अज्ञानी है, असंत है, संत का भेद बना करके ऐसे असंतों ने संतों का अपमान किया है, वे संत कैसे बच सकते हैं? उन्हें कौन बचा सकता है? क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाए, फिर भी वो नहीं बच सकते? फिर आज तो ये देखने में आता है, कवि साहब ने कहा था कि जगदीश एक है, यहीं से बात शुरू हुई थी, लेकिन आज जो है देखने में आता है करीब 11 जगदीशों की संख्या है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, 11 महात्मा लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि मैं विष्णु भगवान का अवतार हूं। बताइए, विष्णु का जो अवतार होगा वो ये कहेगा कि मैं अवतार हूं? मैं कहता तो मैं नहीं, और ना ही कहीं न जाए, और है ना ही के बीच में साहेब रहो समाए। कबीर कहते हैं द्वै जगदीश कहां से आए, द्वै जगदीश कहां से आए, जगदीश एक बढ़ते अब ये द्वै कहां से आए गए, लेकिन यह आइए 11 जगदीश आ गए। कजू तो जगदीश पकड़ के जमा करता है गए, और कजू रहे बच्चे तो वे जमा करने की व्यवस्था में है, वो भी जमा किए जाएंगे जगदीश। जब जगदीश जमा हो जाएंगे तब जो जगदीश रहे, जो जगदीश के भी ईश्वर हैं, उनके जो भेजे हुए शांत दूत हैं, वे संसार में शांति का संदेश लेकर के, सत्य का संदेश लेकर के लोगों के सामने आएंगे और ये बताएंगे कि रास्ता सारंग से है दिलवर को पाने के लिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो सारंग तुम्हारे पास है, वो दिलवर तुम्हारे पास है, अभी तो लोगों ने केवल तंत्र मंत्रों का ही ज्ञान सुना है, अभी वो ज्ञान नहीं सुना है जिसके लिए कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमे संसार, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमे संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरती पार। जो सार शब्द है, जो उस परमेश्वर का सार नाम है, जिस नाम को निरंजन भी भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्या बज सकते हैं, वो निरंजन के नाम को बजते हैं, निरंजन उस सार संत को बजते हैं, उस नाम के बारे में बताने वाले सत्य का पैगाम संसार में लाने वाले जब संसार में आएंगे लोगों के सामने, लोग उनसे जुड़ेंगे, सच्चे नाम को जानेंगे, सच्चे नाम को जान करके उसका अभ्यास करेंगे,
उसे उन्हें जानकारी है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लेकिन लोग सत्य को जानना कहां चाहते हैं? लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी दुकान खूब चलने लगे और नौकरी बढ़िया बरकरार बनी रहे, बच्चा अच्छा पढ़ने लगे। एक लड़का है, एक लड़का और आ गया है, कहूं एक लड़का मन बीमार बीमार हो जाए या गड़बड़ी कहीं हो जाए तो दोए हो जाए, ऐसी दिल में तमाम बहुत सी कामनाएं कामनाओं को लेकर के लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं। लेकिन इसके लिए कौन आता है कि जो ये सोचे कि ये 84 लाख योनियां हैं, कोई कोई तो मत धर्म पंथ वाले लोग ये समझते हैं कि आदमी जब मरेगा तब आदमी होगा, चाहे कुछ करो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे भैंसा खाओ चाहे मुर्गा खाओ चाहे सांप खाओ चाहे चटूदर खाओ चाहे कछु खाओ चाहे चोरी करो बेईमानी करो ठगो आदमी को मारो, लेकिन हम तो आदमी हो जाएंगे। देखो ये कर्म जो है कर्म प्रधान है, कर्म के ही अनुसार जीव को शरीर मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी जानकारी प्राप्त करो, उस सच्चे नाम को जानो, सच्चे रास्ते को जानो। जो रास्ता झूठ है क्षणभंगुर है, पूरी तरह से हमें ले जाने में समर्थ नहीं है, उस रास्ते को छोड़ करके सच्चे रास्ते को जाए। को सौदा की कहां तक प्रसन्नता की जाए, जिन लोगों ने अपनी सौदा का नाम सच्चा सौदा रख लिया और झूठा सौदा निकल पड़ा, और हम अपने को सच्चा बताएं तो आप लोगों को कैसे यकीन होगा, कैसे विश्वास होगा? विश्वास तभी होगा जब आप उस सौदा को कसौटी पर कसेंगे, तभी आपको विश्वास, उसके पहले विश्वास नहीं हो सकता है।